नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम राशि परिवर्तन के बारे में फिर बात कर रहे हैं। ज्योतिष का एक बहुत उत्तम योग होता है। मेरे मित्र लोग बहुत मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, शादी विवाह के लिए लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, अंतिम समय पर रिजेक्शन हो जाता है, यानी मना हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, मुख्य कारण आपको आज बताते हैं। एक और, ये राशि परिवर्तन होता है, लग्न में तीन भाव ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते, खराब भाव मानते हैं। पहला होता है छठा भाव, इसको बोलते हैं रोग का भाव, ऋण का भाव, बीमारी का भाव, डर का भाव, इस तरह के ये भाव होते हैं। अष्टम भाव को आयु का भाव बोलते हैं, दुर्घटना का, मृत्यु का भाव बोलते हैं, और बारहवें भाव को खर्चे का भाव बोलते हैं, विदेश यात्रा का भाव बोलते हैं। इस तरह के जो भाव होते हैं, उन भावों के स्वामी, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का शुभ भावों में राशि परिवर्तन होता है। तो क्या होता है कि जो शुभ भाव में अच्छे ग्रह भी बैठे हैं, आपस में एक दूसरे की राशि का परिवर्तन जब होने से इनके प्रभाव ज्यादा हो जाते हैं और शुभता में कमी आ जाती है, और अंतिम समय पर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। शुभ भाव होते हैं, पहला भाव केंद्र भाव होता है, पहला, चौथा, सातवां और दसवां, और त्रिकोण भाव होता है, धर्म त्रिकोण का बोलते हैं, जिसमें हम लेते हैं दूसरा भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, और इसके अंदर एक भाव और शामिल किया जाता है, धन का भाव, धनेश को बोलते हैं, 11वां भाव। ये बहुत मुख्य बातें होती हैं। अब इन भावों का जब राशि में परिवर्तन हो जाता है आपस में, तो शुभ फलों में कमी आ जाती है, अशुभ फलों की तादाद बढ़ जाती है, यानी कभी खुशी मिलती है और कभी गम मिलता है। अष्टमेश का जब लग्नेश के साथ लग्न में राशि परिवर्तन होता है, तो आयु में कुछ कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, रोग वृद्धि हो जाती है। छठे भाव का पंचमेश के साथ जब ये राशि परिवर्तन होता है, तो संघर्ष होता है, और व्यवसाय का भाव, हायर एजुकेशन का भाव, और छठा भाव कंपटीशन का है, पीड़ित हो जाता है। किसी कंपटीशन में आप जा रहे हैं, उसमें हो सकता है अंत में निराशा हाथ लगे, जबकि खूब बहुत मेहनत भी आपने की होती है। द्वादेश भाव का धनेश के साथ, यानी दसवें भाव का धन के स्वामी जो सेकंड भाव है, उनसे राशि परिवर्तन होता है, तो खर्च ज्यादा हो जाते हैं, आमदनी में कमी आ जाती है। इसी प्रकार लग्नेश का जब छठे भाव से राशि परिवर्तन होता है, तो स्वास्थ्य में कमी, यश में कमी, लगन आपका यश होता है, आपकी कमाई, आपकी मेहनत, उसमें कुछ ऋण का भाव आ जाता है, यानी कमी आ जाती है, रोग आ जाते हैं। लग्नेश का द्वादेश के साथ जब संपर्क हो जाता है, तो ये एक ऐसा परिवर्तन होता है कि आपकी अनचाही ट्रांसफर हो जाती है, व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ जाता है। षष्ठमेश, अष्टमेश और द्वादश, ये जो भाव होते हैं, इनके अंदर अगर अशुभ ग्रह बैठे तो शुभता बढ़ जाती है, और शुभ ग्रहों के साथ जब इनकी राशि परिवर्तन होता है, तो ये अशुभता बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पंचमेश का जब षष्ठेश के साथ संबंध बन जाता है, तो भी ये रोग वृद्धि कर देता है और कंपटीशन में रोक लगा देता है। सप्तम भाव को हम बोलते हैं विवाह का भाव, और इस भाव से ही विदेश में नाम कमाने का भाव होता है, पार्टनरशिप का भी भाव होता है। इसका जब छठे, आठवें, बारहवें भाव से जब राशि परिवर्तन होता है, तो छठे भाव के साथ लोन वृद्धि हो जाती है, यानी ऋण बढ़ जाता है। आठवें के साथ धन की हानि, और बारहवें के साथ धोखा मिलता है अपने लोगों से या पराए लोगों से, और अपमान मिलता है, और कई बार ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि कानूनी रूप से आपको कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जेल का भी सामना करना पड़ सकता है, ये भी एक चीज दिखाता है। नवा भाव, भाग्य भाव बोलते हैं,
छठे के साथ अगर कोई संबंध बन जाता है तो भाग्य में कमी आ जाती है। कोई केस बन जाता है आपके ऊपर, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई नोटिस आ जाता है सरकार की तरफ से। आठवें भाव में भी यही आता है, अपमान मिलता है जॉब में भी, ससुराल की तरफ से कोई अनबन आ सकती है, कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बारहवें भाव का अगर दसवें भाव से कॉम्बिनेशन बन जाता है यानी राशि परिवर्तन, तो ये भी अचानक से ऐसी जगह ट्रांसफर का संदेश देता है जहां आपका मन नहीं है। चौथा भाव को हम सुख का भाव बोलते हैं, माता का बोलते हैं। छठे भाव से अगर इसका राशि परिवर्तन हो गया तो कोई लग्जरी के लिए, गाड़ी के लिए आपने जो लोन लिया है, हो सकता है वो किस्त चुकाने में दिक्कत आए। अष्टम के साथ संबंध बन जाता है तो गाड़ी वगैरह आपने लिए तो उसमें दुर्घटना का अंदेशा बन जाता है। और बारहवें के साथ जब चतुर्थेश का संबंध बनता है तो अपमान मिलने का भी काफी संयोग बन जाता है। शुभ भाव के जो स्वामी हैं, पाप भाव में जब उनका परिवर्तन आया तो जीवन में संघर्ष जरूर दिखाता है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ जाती है, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा पे दाग लग जाता है, कमी आ जाती है, व्यक्ति के अंदर बुरे आचरण भी आ जाते हैं, कई बार शत्रुओं से, कंपिटिटर से पीड़ित हो जाता है। और दैन्य योग में व्यक्ति के अंदर कुछ और कमी भी आती है, वो अपने स्वयं के गलत निर्णय लेता है और दूसरों की निंदा करने के कारण उसके अपने कर्मों का खराब फल मिल जाता है। क्रूर वाणी हो जाती है, वाणी दोष के कारण शत्रुओं से घिरा हो जाता है, ये अपने ही व्यवहार के कारण भी ऐसा होता है। और ये जो राशि परिवर्तन है दैन्य योग का, ये इस तरह के काम करवाता है। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और कोई जिज्ञासा हो एक प्रश्न पूछने की तो निशुल्क सेवा है मेरी, व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, आप भेजिए, जरूर आपको जवाब दिया जाएगा पूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।